हो भाई लोग, क्या चल रहा है? वी आर बैक अगेन विद पोकेमोन गाया। मैंने भी बहुत अच्छा गाया। #badjokes जिंदाबाद। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमोन गाया वापस से। तो पिछली बार हम आ गए थे इस टाउन में, क्या नाम है इसका मैं भूल जाता हूँ। तो आर्चन टनल से हम आए थे सेरोस विलेज में। ओके तो सेरोस विलेज में एक जिम भी है विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ कि भाई मैंने कुछ बदलाव किए हैं पोकेमोन में। तुम्हें याद होगा मैंने आर्चन टनल में काफ़ी अच्छे अच्छे पोकेमोन पकड़े थे, पर वो सारे अब पैसे में सो रहे हैं। और हमारे पास है हमारा नया पोकेमोन याजुकी। एक मैंने ट्राई किया है थोड़ा जैपनीज टाइप नेम दू क्योंकि अच्छा लगता है भाई। और इसके स्टैट्स भी काफ़ी दमदार है। और तुम्हें इन्फर्नो तो पता ही होगा भाई। वैसे इसके मूव सेट है टैकल, ग्राउल, थंडर वेव और थंडर शॉक। थंडर वेव भाई में बहुत काम आएगा और इसके पास तो अच्छा ही है। और जुजू को मिल गए हैं सुपर सोनिक और एस्टोनिश विच इज़ प्रिटी डैम गुड डूड। और मैंने ट्रेनिंग एक्चुअली डे केयर वालों से मदद ली है मैंने थोड़ी सी। और यजुकी यहाँ से आई है, मैंने काफ़ी सारी मरी पकड़ी और उसके बाद जो बेस्ट थी उसको मैंने यजुकी नाम दे दिया और पाल लिया भाई। तो अभी हमें बस सिटी एक्सप्लोर करनी है यार। हमने पिछली बार हम आए तो थे देर आर सो मैनी कलरफुल फ्लबे बे इन सेरोस पाथ। ओके मेरे को पसंद नहीं है फ्लबे बे बिकॉज अंदर से मैं लड़का हूँ बाहर से लड़की हूँ। LOL क्या है ये? पोकेमोन फ्रॉम द टनल कम आउट एट नाइट एंड मेक्स लॉट्स ऑफ नॉइज। तो यानी कि इनको सोने को नहीं मिलता आई थिंक। पर आपको यू नो अबाउट रेयर बोन्स राइट? आई कलेक्ट देम, यू शुड ब्रिंग मी एनी यू फाइंड, आई मेक इट वर्थ योर वाइल। क्या ये हमको फॉसिल बना के देगा? कसम से कह रहा हूँ अगर इसका फॉसिल बना के दे दिया ना भाई मैं पागल हो जाऊँगा, कसम से कह रहा हूँ। हेलो, अरे ये तो भाई जैक का घर है। यू आर ऑन एडवेंचर विथ माई सन, दैट साउंड्स एक्साइटिंग बट प्लीज लुक आफ्टर हिम। अरे आंटी मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं हूँ कि मैं उसका पीछा पीछा जाऊँ और उसकी चिंता करूँ। आपको क्या लगता है मैं शादी कर लूँ उससे? मजाक चल रहा है क्या पे? ओके सीक्रेट टनल, नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। अंकल आप थोड़े से ना पुराने स्टाइल के हो गए हो, थोड़ा बदलो यार, जनरेशन चेंज हो रही है। टर्न्स आउट माई डैड हैज़न्ट टू बी यूजफुल, वेल वी शुड कीप सर्चिंग। सरीना या भाई मैं भी अग्री करता हूँ भाई। ये क्या, दिस इज अ रेयर पोकेमोन। हाँ इट्स ओनली अ डॉल भाई। क्या पोपट कर दिया यार, मुझे लगा वो स्करूपी जो भी होता है वो सच में आ गया भाई। इसके पास होता तो भाई बहुत मज़ा आता गेम में। तो आई थिंक हमें और कुछ नहीं करना है, इतना ही था टाउन। आई थिंक मुझे थोड़े से पोशंस बाय कर लेने चाहिए, मेरे पास पोकेबॉल तो बहुत कम है। पोशंस है मेरे पास काफ़ी अच्छे, रेड कैंडी सूट बेल भी है एक एन आइटम की। अच्छा तो यह हमारी फ्रेंडशिप बढ़ाता है पोकेमोन के साथ। तो आई थिंक वी शैल गो इन द जिम नाउ। कौन सी जिम है? सेरोस विलेज पोकेमोन जिम, लीडर फर्नांडो द यंग फेरी टाइप ट्रेनर। फेरी टाइप्स, ओ भाई मस्त भाई, फेरी टाइप स्टार्टिंग में। हे देयर, यू आर न्यू टू द जिम राइट? वेल फर्नांडो इज द जिम लीडर, ही यूजेस फेरी टाइप्स, पॉइजन टाइप मूव्स आर ग्रेट हियर। तो मेरे पास जुजू है पर भाई प्रॉब्लम ये है उसके पास पॉइजन टाइप मूव नहीं है। और अगर जिनको लग रहा है जो बहुत नूब टाइप है कि एस्टोनिश एक पॉइजन टाइप मूव है, तो नहीं है भाई, पॉइजन टाइप मूव नहीं है भाई। ये लड़की हॉरर मूवी की तरह क्यों खड़ी है यहाँ पे? ओ सी जस्ट छोटी बच्ची।
और इसने क्या 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 कहा, डोंट बी फूल्ड बाय दीज ट्रीज, क्या ट्रीज जादू करते हैं। और गाइस मैं तुम्हें एक सूचना कर देना चाहता हूँ कि आज से पोकेमोन सिल्वर नहीं आएगा भाई, उस पर बहुत कम यूज आए थे और भाई मैं गेम पे टिका नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं, नो वेज आई कैन डू दैट। और नया गेम आएगा, जल्दी आएगा, बहुत जल्दी, और वो आई थिंक होगा वाई टू, पोकेमोन वाई टू या फिर पोकेमोन अनबाउंड। मैं सोच रहा हूँ यार अनबाउंड खेलूँ, क्योंकि अनबाउंड नया आया है और वो काफ़ी मस्त भी है भाई। इसने यार मेरे को अपने क्यूट चार्म से भाई ये कर दिया यार, इमोबलाइज। जुजू जग जा, उठ जा जुजू, अजूरे ला रहा है। तो आई थिंक मैं बदल लेता हूँ, यजुकी की चांस पहली बार सॉरी तो यजुकी की चांस आ गई। वो अब फोड़ने वाले ये दो गुब्बारे, फोड़ दे भाई, फोड़ दे। अरे यार फोड़ा नहीं, ऑलमोस्ट फटने को ही हो रहा है। और ये फटा, बूम, शा कला कला का डिंग डोंग। अगर तुम्हें ये बलून फटा हुआ अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, और अगर तुम्हें भी बलून फोड़ना बहुत पसंद है तो सब्सक्राइब करो। तो अगली है इगली बूफ, मैं इसको बूफ कहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। चाम, अरे चाम कर दिया इसने, स्पेशल अटैक मत गिराना भाई, अटैक से तो मेरे को मतलब ही नहीं है, इलेक्ट्रिक टाइप्स आर स्पेशलाइज्ड इन स्पेशल अटैक। ओ यजुकी टर्न्ड 11, ओ कॉटन स्पोर, इससे होता क्या है बे, कॉटन लाइक स्पोर्स स्पीड स्टैट कम कर देता है, अटैक स्टैट गिराने से अच्छा तो स्पीड ही कम कर दो भाई, क्योंकि आगे जाके भाई बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो आई थिंक मैं इस मूव को यूज करने वाला हूँ। अगर तुम्हें कोई एकदम फ्लैश वाला बंदा मिल गया तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए तुम्हें सेफ रहना चाहिए। तो कहाँ जाए, आई थिंक वी शैल गो दिस वे, ओ हम पहुँच गए, बाकी दो रास्तों में भी अलग अलग है क्या, जरा देखते हैं हम। ओ नहीं ये तो भाई अच्छा, तो ऐसा फंडा है भाई जिम का। और गाइस तुम्हें मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई मैं ना मतलब मैं मेरा एक रीज़न बना रहा हूँ, पर वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मेरे माइंड में ही है अभी, जब कंप्लीट हो जाएगा तब भाई मैं तुम्हें ज़रूर से दिखाऊंगा। और भाई ये बात, तो गाइस मैंने इसको हरा दिया है फाइनली भाई, इसके भाई वो जो उसका पोकेमोन था क्या नाम है यार वो, चल जाने दो मैं तुम्हें समझा दूंगा बाद में, वो एक कॉटन टाइप पोकेमोन होता है, ग्रास टाइप। तो उसने भाई बहुत सारे कुछ सेटअप कर लिए थे जिससे उसका ग्रोथ सेटअप कर लिए थे जिससे उसका अटैक बहुत बढ़ गया था। मैं टेंशन में आ गया था, कति मेरे पोकेमोन की बैंड बजी है थोड़ी सी, यजुकी को बहुत चोट लगी है उसके फ्लबेबे के वजह से, तो हम हील करेंगे, थैंक यू लॉर्ड मैजेस्टी। तो हम क्या यहाँ जाएं, नहीं तो यहाँ जाएं, नहीं तो यहाँ जाएं, नहीं यहाँ आई थिंक नीचे, वो नीचे भी रास्ता है क्या, ओ ये आई थिंक आई एम गोन जस्ट इग्नोर दीज बोथ नूब्स भाई साहब, तो मैं जाऊँ, ओ भाई ये मैं भूल ही गया, एलओएल ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नीचे नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, आई थिंक बैटल करनी पड़ेगी गाइस, मैं इन दोनों को हरा के मिलता हूँ सीधा तुम्हें, बाय बाय शुभ। तो गाइस मैंने इनको फाइनली हरा दिया है, पर भाई इन्होंने मेरे पोकेमोन की हालत इतनी खराब, इतनी वाहियात कर दी है ना भाई, जुजू को देखो। पर एक चीज़ अच्छी हुई कि जुजू को मिल गया है एक नया मूव, बाइट 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 बाइट,
तो अभी चबा डालेगी सबको। जूजू और भाई हील करते हैं हम जल्दी से। पोशन लगाओ भाई पोशन। ओकी डोकी तो भाई हो गया काम। एक सेकंड ये क्या हुआ? ओ सॉरी गाइस, मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया था तो मैं देखने में लग गया। ओके तो हमारे पोकेमोन हील हो गए हैं, पर मैं किसको करूँ, इन्फर्नो या फिर यजुकी? आई थिंक मैं दोनों को नहीं कर सकता हूँ। अरे कर सकता है रे बाबू, कर दो रे बाबू, सब फूल होने चाहिए। चलो देखते हैं अभी कौन सा रास्ता है भैया। एक्सक्यूज मी, चलो आगे। ये वाला नहीं है, यहाँ से मैं आया था। तो क्या ये वाला है? नहीं ये भी नहीं, ये वाला ही होगा फिर। ओके तो फाइनली हम इस लड़के के पास पहुंच गए। बाबा भाई क्यों यार, क्यों इतनी बेकार जिम कौन बनाता है? अहम हेलो, माय नेम इज़ फर्नांडो, आई एम जिम लीडर ऑफ सेरोस विलेज। आई एम सॉर्ट ऑफ न्यू एट दिस, गो इजी ऑन मी ओके। नहीं भाई आज तेरे को डिस्ट्रॉय करके छोड़ूंगा क्योंकि तूने मेरी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दी भाई छोटा बच्चा। ओके छोटे बच्चे को आज फोड़ डालेंगे गाइस। भाई अल्ट्रा बॉल यूज करता है ये बंदा, ओ माई गॉड। सो ये करो भाई, इसको सुपर सोनिक कर दो। क्या मैं डार्क मतलब बाइट यूज कर सकता हूँ? चार्मिंग करार, तेरी ऐसी की तैसी रे, तेरी ऐसी की तैसी बाबा। यार नॉट वेरी इफेक्टिव है। और ये भाई क्यूट चार्म की ऐसी की तैसी। भाई साहब मैं अभी ना गति इसको सुपर सोनिक कर देता हूँ फट्टा से। भाई जुजू कम ऑन, जुजू यस, जुजू जुजू की जय हो भाई। कमेंट्स में स्पैम कर दो जुजू की जय हो, जुजू ने सबसे अच्छा काम किया है इसको पागल करके। अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इन्फर्नो इसको जला के राख कर दे भाई, जला दे पूरा, कुछ बचने ही नहीं चाहिए। आज रहम नहीं, नो रहम। अरे भाई स्क्रैच नहीं यार, मेरे कंट्रोल्स मर गए क्या? अरे भाई शांत हो जा भाई, कंफ्यूज हो जाए यार। ऊपर से इसने रॉक्स, अरे यार स्क्रैच, ओ शिट डूड। एम्बर कर भाई, कम ऑन इन्फर्नो, तू मर नहीं सकता। इन्फर्नो नहीं, नहीं इन्फर्नो नहीं, ओ शिट डूड शिट। भाई मैं नहीं चाहता मैं हार गई इस बंदे से। डूड प्लीज डोंट डू इट डूड। रॉक स्मैश और इन्फर्नो गया काम से। ओके तो आई थिंक अभी मुझे थोड़ा स्ट्रेटजाइजिकली खेलना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा है ये बच्चा, नया नहीं है। कॉटन स्पोर कर देता हूँ मैं ताकि ये मेरी ऐसी तैसी में कर दे। स्पीड अप कर देता हूँ गाइस, थोड़ा सा लैग ही होगा आई नो, पर कर देता हूँ। थंडर शॉक, अरे यार ये क्या है भाई? चलो पैरालाइज तो हो गया है कम से कम। मारो भाई इनकी मारो ऐसी तैसी। ओके 12 लेवल की होगी ये। ओ सॉरी भाई मुझे डकार आ गई बीच में, क्या भाई मैं क्या कर रहा हूँ। राल्स आ गए इसका, राल्स को हम थंडर शॉक करेंगे। कम ऑन चार्मिंग कराए भाई। चलो ठीक है। मुझे एक्चुअली यार पोर्शन बचा के रखने चाहिए थे। ओ शूट यार भाई। जुजू कम ऑन जुजू यू हैव टू डू इट जुजू, कम ऑन जिगली पफ। ओ शेट डूड भाई कम ऑन जुजू, तेरे को करना होगा जुजू कम ऑन।
क्या करूँ मैं, एस्टोनिश या एस्टोनिश करना पड़ेगा। ओ शेट यार भाई मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, या तो ये कन्फ्यूजन से मर जाए या तो भाई और चुपचाप प्लीज भाई माफ कर दो मेरे को, मैं गलती से आ गया, प्लीज। आई एम गोना डाई गाइस, बचाओ मेरे को, मैं मरने वाला है। अरे यार काश कि मैं ओके। तो गाइस हम हार चुके हैं ऑफिशियली, और आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर टुडेज एपिसोड। हम कल इस बच्चे की फाड़ देंगे भाई, मैं सच में कह रहा हूँ फाड़ देंगे हम। मेरे को बस एक बार, ओ एक सेकेंड, ये कौन, ओ प्रोफेसर रेडवुड क्या कर रहे हैं आप? ओके कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे भाई, स्पीड नॉर्मल कर दो भाई। मेरे पास कोई ऐसा पोकेमोन है क्या जिसके पास कुछ ये हो, कुछ तो हो भाई, पॉइजन टाइप थिंगी। इसका डिफेंस और स्पेशल अटैक तो भाई बहुत गंदा है, एक सेकंड मेरे को देखने दो। ये स्पेशल टाइप है, स्पेशल मूव है ये, पर इसका स्पेशल अटैक बहुत ख़राब है और अटैक भी, स्पीड और डिफेंस काफ़ी अच्छा है। इसके तो भाई सारे मूव ही बेकार है, कती कुछ है ही नहीं। मैंने स्पाई डी को उगा चीज पकड़ लिया यार। चलो गाइज आई थिंक आज के लिए नहीं करते हैं हम, कल उस बच्चे की वाट लगा डालूंगा भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ। अभी लाइक मारो और सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन मिलता है यार और वीडियोस बनाने के लिए तुम्हारे लिए। और तुम मुझे थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज भी बता सकते हो कमेंट्स में कि क्या करना चाहिए मुझे उस बच्चे को डिस्ट्रॉय करने के लिए फॉर एवर। और क्या कहना है मुझे, हाँ, और नई सीरीज आने वाली है तो स्टे ट्यून्ड। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, गुड बाय।